हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल होम रेमेडीज़ एंड रिव्यू बाय जया जीवांशी। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक ऐसा फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ जो कि ना कि आपकी टैनिंग को ख़त्म करेगा, बल्कि जितने भी आपके फेस पे दाग धब्बे हैं, काले, पीले, हरे, नीले, गुलाबी, जितने भी हैं, सबको ख़त्म कर देगा। सिर्फ इसमें आपको दो इन्ग्रीडियंट्स डालने हैं और बस आपका फेस पैक बनके रेडी है। और जो लास्ट वाला इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा सा सरप्राइज़ है, और आप देख सकते हैं वो क्या है। ये है एक एसेंशियल ऑयल जो कि आपकी स्किन को नेचुरली हाइड्रेट करता है और साथ ही आपकी स्किन से जो भी डर्ट पॉल्यूशन होता है उसे भी ख़त्म करता है। इसे मैं फेशियल में यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसे लूँगी 6 से 7 बूंद, बल्कि इतना नहीं लेना है। वैसे डेली में आपको आप किसी भी मॉइस्चराइज़र के साथ इसे मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 2 बूंद आपको यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें एज ए फेस पैक यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी है। 1 चम्मच चाहिए आपको चावल का पिसा हुआ बारीक आटा, 2 चाहिए आपको लेमन, 3 चाहिए आपको एसेंशियल ऑयल, और 4 चाहिए आपको पानी। पानी आपका ध्यान रहे कि थोड़ा सा गर्म हो, नॉर्मल पानी नहीं होना चाहिए इस फेस पैक में। बस यही ऐसी ट्रिक है जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। सो गाइस, इतना अमेजिंग है कि बस पूछिए मत। और जो लेमन होता है, इसमें होता है विटामिन सी भर भर के, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है और साथ ही आपकी स्किन को नेचुरली ब्राइट बनाता भी है। और साथ ही इसमें मैंने चावल के आटे का यूज़ किया है। चावल का इस आटा जो हमें होता है वो हमारी स्किन को टाइट करता है और हमारी स्किन से रिंकल को ख़त्म करता है। सो इस तरीके से गर्म पानी जो होगा इसमें, वो इसलिए है ताकि आपकी जो डेड स्किन है वो इजीली 1-2 बार में ही निकल जाए। सो आपको इसे अच्छे से लगा लेना है। जैसे भी आपको लगाना हो, आप फिंगर से लगा सकते हैं, ब्रश से लगा सकते हैं, तो आप वैसे लगा सकते हैं। और इसे लगाने के बाद आपको पता है क्या करना है। अगर आपने बहुत ही जल्दी में स्क्रब नहीं किया है, तो आप स्क्रब कर सकते हैं। और जिन भी लोगों की गर्दन काली है ना, उनके लिए रामबाण इलाज है ये फ़िलहाल। और सीरियसली एकदम बेस्ट ऑप्शन है ये आपके पास कि आप इसे यूज़ करें। और 2 या 3 बार यूज़ करके आपको इतना अच्छा फ़र्क दिखने वाला है। पहली बार में ही आप मुझे थैंक्स तो पक्का बोलेंगे अगर आप इसे यूज़ करेंगे, और बिना यूज़ किए अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो ये मेरी नहीं, आपकी गलती है। और आप एक बार यूज़ कीजिए, जो भी ओपिनियन हो आप वो मुझे दीजिएगा। सो गाइस, इतना अमेजिंग है कि मैं इसकी तारीफ़ में क्या शब्द कहूँ। तो मैंने बहुत ही जल्दी से फेशियल किया था, समथिंग रात मैंने फेशियल किया था, और मैंने इसलिए अभी फ़िलहाल फेस पे स्क्रब नहीं करूँगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर मैं ज़्यादा स्क्रब करूँगी तो मेरी स्किन रिमूव हो जाएगी, मतलब जलने लगेगी। और साथ ही जो एसेंशियल ऑयल है, इसे मैं एक बार और यूज़ करूँगी अपने मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके। तो बस इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सिर्फ नेक पे स्क्रब करूँगी, फेस पे स्क्रब बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर आप फेस पे स्क्रब करने वाले हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका जो फेस है वो छिल ना जाए। धीरे धीरे आपको फेशियल करना है, सर्कुलर मोशन में फेशियल करना है आपको। कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमारी जो स्किन है वो ब्राइटनिंग की तरफ कब काम करती है। सब मसाज का खेल होता है, बाकी आपके प्रोडक्ट पे निर्भर करता है कि वो कितने टाइम के बाद आपको अच्छा सा रिज़ल्ट देगी। लेकिन रिज़ल्ट प्रोडक्ट तभी देता है जब आप उसे अच्छी सी सही क्वांटिटी और सही तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं सिर्फ नेक पे यूज़ करूँगी और कहीं यूज़ नहीं करूँगी फिर इसका स्क्रब। तो सिर्फ नेक पे स्क्रब किया है मैंने 2 मिनट के लिए। नेक पे स्क्रब करने के बाद आपको 2 मिनट तक इसे छोड़ देना है, और जब इसके सूखने का वेट करना है। ये बहुत जल्दी सूख जाता है, याद रहे, इसे अच्छे से आपको सुखाना है। और जब आप इसे सुखाएंगे तो आप गर्म पानी से अपना फेस वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो मैंने एसेंशियल ऑयल बताया था, आप उसमें अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र मिक्स करके यूज़ कीजिए और अपनी स्किन को छोड़ दीजिए। अगर आप वो नहीं है तो आप इसे विटामिन ई के कैप्सूल में भी मिक्स कर सकते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।